जय हिंद डिफेंस एस्पिरेंट्स, वेलकम बैक अगेन। दिस इज दिव्यांशु पांडे। रशिया यूक्रेन कॉन्फ्लिक्ट में एक बड़ा मोड़ आ गया है, जहां पर अब यूक्रेनियन ट्रूप्स ने रशिया के कुर्क्स रीजन को इन्वेड कर लिया है और इस पर रशिया आग बबूला है। तो चलिए जानते हैं कि किस प्रकार से इस युद्ध में यूक्रेन ने बड़ी बढ़त रशिया के ऊपर बना ली। जैसा कि हम जानते हैं कि 2022 से ही रशिया वर्सेस यूक्रेन का युद्ध चला आ रहा है और अब यूक्रेन ने रशिया के कुर्क्स रीजन को इन्वेड कर लिया है और अपनी सेना को वहां पर डिप्लॉय कर दिया है। इससे रशिया काफी आहत है और अभी यूनाइटेड नेशंस में जो इनफॉर्मल सिक्योरिटी काउंसिल की मीटिंग कंडक्ट हुई थी, तो उसमें रशिया के द्वारा कहना है कि रशिया क्रिटिसाइज वेस्टर्न एलाइज ऑफ यूक्रेन एट द यूनाइटेड नेशंस फॉर नॉट कंडेमिंग कीव्स इंक्रूजन इन टू द रशियन रीजन ऑफ द कुर्क्स। तो ये तो वही बात हो गई, उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। रशिया ने यूक्रेन का इन्वेजन किया हुआ है, यूक्रेन ने अपने आप को बचाने के लिए एक ऑफेंसिव स्टेप लिया और उन्होंने रशिया के कुर्क्स रीजन को इन्वेड कर लिया और इस पर रशिया काफी आपका हम नाराज तो होगा ही, क्योंकि इतना बड़ा रीजन उनके हाथ से निकल चुका है। अगर हम इस रीजन को देखें तो काफी इंपॉर्टेंस रखता है। रशिया यूक्रेन के बॉर्डर से सटा ये रीजन है जहां पर अब यूक्रेनियन सेना जा चुकी है और वहां पर उनका कब्जा हुआ है। अभी जो युद्ध था वो ज़ैपोरोजिया न्यूक्लियर पावर प्लांट और खेरसन सेक्टर में चल रहा था, लेकिन 2 साल से देखा यूक्रेन ने कि हम जो है डिफेंसिव पॉलिसी को लेकर चल रहे हैं, हमको ऑफेंसिव भी होना पड़ेगा। रशिया में आर्सेनल तो उनके पास काफ़ी अधिक है, लेकिन मैन पावर की काफ़ी कमी है और इसी का लाभ, इसी का फायदा यूक्रेन ने उठाया। और जहां तक है, अमेरिका ने उनको जरूर कहा होगा कि आपको जो है एक कदम आगे बढ़ना चाहिए और फंड फ्रूट पर रह के जो है बैटिंग करनी चाहिए। तो उन्होंने रशिया के इस रीजन को जो है इन्वेड कर लिया है। रशियन प्रेसिडेंट सेड दैट 28 सेटलमेंट इन द रीजन वर अंडर यूक्रेनियन कंट्रोल एंड दैट कीव ट्रूप्स हैड पेनिट्रेटेड अप टू 12 किलोमीटर इनसाइड रशिया अलोंग अ 40 किलोमीटर स्ट्रेच द बॉर्डर। तो देखिए, 12 किलोमीटर अंदर तक गई हैं, वो पूरा रीजन 40 किलोमीटर चौड़ा है, तो उस पूरे रीजन में अभी यूक्रेन का कब्जा है। अब यूक्रेन ने ऐसा क्यों किया है? क्योंकि इसी प्रोसेस से निगोशिएशन की शुरुआत होगी। यूक्रेन कहेगा आप हमारे कब्जा किए हुए जो रीजन है उनको आप पीछे छोड़िए, तब हम आपके इस रीजन को छोड़ेंगे, नहीं तो हमारी सेनाएं रशिया के और अंदर तक चली जाएंगे। तो रशिया चाहता है कि यूक्रेन में हम तख्ता पलट करें, जिससे कि उनके मन की सरकार आए और वहां पर जो है जो वेस्टर्न इन्फ्लुएंस है उसको कम कर सकें। एक सप्ताह पहले ही थाउजेंड ऑफ यूक्रेनियन सोल्जर्स ने जो है इस रीजन पर धावा बोल दिया था, जिससे कि रशिया अब बैक फुट पर आता दिख रहा है। अब रशिया अपने रीजन को कैसे खाली करवाएगा, कितने समय तक और ये युद्ध चलेगा, ये काफी बड़ी बात है। 2022 फरवरी से चलता आ रहा है, 2.5 साल इस युद्ध को हो गए हैं। ये युद्ध तभी रुक सकता है जब अमेरिका में प्रेसिडेंशियल इलेक्शन हो जाए और डोनाल्ड ट्रंप वहां पर आ जाए। डोनाल्ड ट्रंप के आने के बाद ही रशिया और अमेरिका के बीच में बात हो सकती है, और पहले भी ट्रंप ने कहा है कि अगर मैं आता हूं तो मैं एक ही दिन में 24 घंटे के भीतर इस युद्ध को रुकवा दूंगा। तो इस रीजन को आप देखिए जहां पर यूक्रेन का कब्जा है और यूक्रेन के द्वारा पहली बार उन्होंने रशिया के ऊपर आपकी बढ़त बनाई हुई है। आगे के विश्लेषण के लिए आप हमारे साथ जुड़े रहिए, वीडियो को लाइक शेयर करिए। आप अपने आने वाले एग्जाम की प्रिपरेशन हमारे कोर्सेज में जुड़कर कर सकते हैं, उसके लिए वॉर रिटर्न कोड का यूज कर लें। जय। अगर आप एक डिफेंस एस्पिरेंट हैं और SSB इंटरव्यू, NDA, CDS, FCAT जैसे एग्जाम्स के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, तो आप SSB क्रैक एग्जाम्स के कोर्स को चेक करना ना भूलें। आप हमारी लर्निंग एप्लीकेशन को Google Play Store से भी डाउनलोड कर सकते हैं।